जातस्य हि ध्रुवो मृत्योर ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचि तुम्हर्हसि। लाइफ में किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है, सो इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस। इन योर लाइफ टाइम यू मीट सो मेनी पीपल हु रैंडमली कम इन टू योर लाइफ। अगर मैं आपकी लाइफ का एक टाइम स्केल ड्रॉ करूँ, तो लेट अस सपोज आपकी लाइफ का टाइम स्केल मैं ये डिनोट कर रही हूँ, तो ये जो एक्सिस है, दिस इज नथिंग बट टाइम एक्सिस, ठीक है? तो ये टाइम एक्सिस है, और आपके लाइफ टाइम में से मैं कितने टाइम पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर, इस टाइम को आई एम डिनोटिंग इट बाय कैपिटल टी। तो इन दिस मच टाइम यू मीट सिक्स पीपल, छह लोग आए, रैंडमली आए। तो ये जो है टाइम, इस पे किसी भी वक्त कोई भी आ रहा है, तो ये सब रैंडमली स्पेस्ड हैं। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है कि कोई फिक्स टाइम के बाद ही आपको कोई मिल रहा है, रैंडमली कोई भी आ रहा है। तो अगर मैं एक चीज़ डिफाइन करूँ, इफ़ आई डिफाइन समथिंग कॉल्ड ट्रू इंटरैक्शन रेट, तो ये क्या होगा कि कितने लोग आपने काउंट किए इतने टाइम में। तो दिस विल बी नथिंग बट काउंट्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम, एंड आपने काउंट किया ये कितने हैं, छः हैं, छः लोग मिले इस टाइम में। और लेट अस सपोज कि इसको मैं डिनोट कर रही हूँ बाय स्मॉल एन। द ट्रू इंटरैक्शन रेट विच इज स्मॉल एन, दिस हैपन्स टू बी 6 डिवाइडेड बाय दिस टी। ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक इंसान को बुलाना है जिसका नाम है मिस्टर नॉन पैरालाइजेबल। तो इस इंसान को अब आपने काउंटिंग के काम पे लगाना है। आपको पता है कि इस टाइम में छह लोग आए। नाउ यू हैव गिवन मिस्टर नॉन पैरालाइजेबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन टू योर लाइफ इन दिस मच टाइम। इस टाइम में कितने लोग आए, नाउ ही हैज टू काउंट, ठीक है? तो अब इस इंसान के कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है, ये थोड़ा सुस्त है, ये इंसान थोड़ा सुस्त है। ये काउंट तो कर देगा बट ये एक फिक्स्ड टाइम लेता है, ये कुछ काउंट करने में एक फिक्स्ड टाइम लेगा, और इस दौरान कुछ भी हो जाए इसे पता नहीं चलता। इस दौरान अगर कोई और इंसान भी आ जाए तो वो उसे काउंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मग्न हो जाता है, ये उतने टाइम के लिए डेड हो जाता है, मग्न हो जाता है, फिर इसे नहीं पता चलता क्या करना क्या नहीं करना। तो देखते हैं ये कैसा है। तो यहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो अभी इसको होश है, यहाँ पे इसको होश था, तो ये है लाइव यहाँ पे, ठीक है? अब इसको मिला एक काउंट, एक इंसान मिला, तो अब इसने इसको काउंट करना है। तो मैंने क्या कहा था कि एक फिक्स टाइम लेता है, तो ये फिक्स टाइम है ये, इसको इसने क्या कहा, वन। तो इस टाइम को मैं डिनोट कर रही हूँ टाउ से, ठीक है? ये वो वाला टाइम है जितना टाइम ये नॉन पैरालाइजेबल लेता है एक काउंट करने में। सुस्त है, ठीक है? तो इस टाइम के लिए मिस्टर नॉन पैरालाइजेबल क्या हो गया, डेड हो गया। तो ये टाइम इतने टाइम के लिए ये क्या है, डेड। ये वो वाले टाइम है जब इसे नहीं पता चलता कि इसके अलावा और क्या करना है। अब ये डेड था यहाँ तक, फिर इसको होश आएगा, ठीक है? इस टाइम बाद इसको फिर होश आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर लाइव हो जाएगा। लाइव हो जाएगा मतलब इसको चेतना आ जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि अब फिर मुझे क्या काउंट करना है, ठीक है? अब इसको एक इंसान और दिखा, तो इसने इसको क्या काउंट करना है, टू। टू कहाँ से, यहाँ से टू, ठीक है? तो इस टू को काउंट करते हुए इसको नहीं पता चला कि थ्री आके निकल गया, मग्न हो जाता है इतने टाइम के लिए, नहीं पता चलता, ठीक है? तो इसने इसको टू काउंट किया और उतना ही टाइम लिया, फिक्स टाइम लिया। इसको भी मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, टाउ से, जिस टाइम के लिए ये डेड हो गया, इसको नहीं पता चला। अब फिर से इसको होश आएगा, यहाँ से डेड हो गया, फिर से इसको होश आएगा कि मुझे क्या करना है, तो ये फिर लाइव हो गया। इसको एक और इंसान दिखा, फिर इसने इसको काउंट कर दिया, थ्री, ठीक है? आया निकल गया, कहता भाड़ में जाए, ये तीन ही है, ठीक है? तो बड़ा एथिकल सा बंदा है, एक टाइम पे एक ही बंदा एंटरटेन करता है और बाकियों को इग्नोर करता है।
तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर लाइव हुआ और फिर काउंट किया, इतना टाइम लाया, 4 and then 10। ठीक है, तो ये जो है मिस्टर नॉन पैरालाइजेबल, इसने क्या किया, आपके जो 6 लोग आए थे, स्पेशल लोग आपके लाइफ में टी टाइम पीरियड में जो आए थे, इसने इनको क्या काउंट किया, 4। तो अगर मैं एक चीज़ के बारे में बात करूं, रिकॉर्डेड काउंट रेट, एक मैं चीज़ लिखने वाली हूं, वो क्या है, जैसे मैंने ये लिखा था, अनदर थिंग इज रिकॉर्डेड काउंट रेट, वो नॉन पैरालाइजेबल के लिए कितनी होगी, जितने इसने काउंट किए इन दिस मच ऑफ टाइम। तो ये क्या था, 4/T, ठीक है, और इसको मैं डिनोट कर रही हूँ, लेट इट बी एम। तो जैसे मैंने ये टर्म डिफाइन करी थी, उसी तरह मैंने ये किया, ये है रिकॉर्डेड की जो इसने किया, ये तो ट्रू था, लेकिन इसकी जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से जो ये काउंट ले पाया वो ये हैं। तो इसने रिकॉर्ड कितने किए, 6 का 4 कर दिया उतने टाइम में। अब हमने क्या करना है, हमने एक और इंसान को बुलाना है, इसका नाम क्या है, मिस्टर पैरालाइजेबल। तो ये पैरालाइजेबल की भी कोई क्वालिटीज़ होंगी, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ये सुस्त तो है लेकिन ये इतना एथिकल नहीं है जितना ये पिछले वाला था, मतलब कि ये टाइम तो उतना ही लेगा काउंट करने में, लेकिन जब ये काउंट करता है उस दौरान ये डेड होता है, मग्न हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उस दौरान कोई और इंसान भी आ जाए, जैसे ये टाइम में अगर कोई और इंसान आ गया, तो इसने वो जो काउंटिंग है वो वही छोड़ के, पिछली काउंटिंग वही छोड़ के इसने नए सिरे से उसे काउंट करने लग जाना है अगले इंसान को, और उसको भी काउंट करने में उसने लेना वही फिक्स टाइम है टाउ। आइए देखते हैं कैसे करेगा। तो ये पैरालाइजेबल का काउंटिंग सिस्टम बनाने लगे हैं यहाँ पे, कैसे काउंट करेगा, तो स्टार्टिंग में तो ये लाइव होगा, ठीक है, ये जगा हुआ है, जब इसको हमने काम देना है ये जगा हुआ है, यहाँ ये लाइव था इसी तरह, तो इसको क्या कहेंगे, लाइफ टाइम, ठीक है। अब क्योंकि ये टाइम ही है तो ये है लाइफ टाइम। अब क्या होगा, इसको एक इंसान मिला तो इसने इसको काउंट करना है 1, ठीक है, तो ये टाइम, ये मैं आपको दिखाने के लिए उतना ही बना रही हूँ, ये डेड टाइम वही है, तो दिस इज टाउ, ये टाइम है जो ये लेगा एक काउंट करने में, और इस दौरान ये डेड हो जाता है, ठीक है, ये टाइम लिया और इस काउंट को इसने, इस इंसान को इसने एक काउंट कर दिया। उसके बाद फिर से ये जगेगा, ये है लाइव, फिर इसको क्या होगा, दूसरा इंसान दिखेगा, दूसरा इंसान दिखेगा तो ये इसको काउंट करेगा 2। अब ये यहाँ पे था, ये टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, ध्यान से सुनिए, ये टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, टाइम ये इतना लेता है काउंट करने में, इसने कायदे से तो यहाँ तक जाना था और कह देना था 2, फिर ये नीचे आ जाता, फिर लाइव हो जाता, लेकिन हुआ क्या, ये कंप्लीट होने से पहले, ये टाउ टाइम कंप्लीट होने से पहले इसको एक और इंसान दिख गया जो कि इसने काउंट करना है, ठीक है, अब एक और इंसान दिख गया, अब ये एथिकल नहीं है इतना, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मग्न इतना हो गया कि ये दूसरा है ऐसे पता नहीं चला, इसको ये पता चल गया कि ये आया, इसने किया क्या, इसने वो वाला काउंट जो ये 2 कर रहा था वहीं छोड़ के ये नए सिरे से इसको काउंट करने में लग गया यहाँ पे। तो इसको ये जब काउंट करता है तो लेता तो वही फिक्स टाइम है, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये वहीं तक जाएगा जो कि ये है टाउ टाइम, ठीक है, तो ये इसने काउंट किया और इतना टाइम लगाया इस इंसान के लिए, ठीक है, तो उसके बाद फिर से इसको होश में आना है और ये पीरियड हो गया इसका लाइफ। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ और यहाँ क्या फ़र्क है, तो नॉन पैरालाइजेबल ने क्या किया, जब ये इंसान को काउंट किया, इतना टाइम लिया फिक्स्ड, इतना फिक्स टाइम लिया और इस दौरान ये आया, इसे नहीं पता चला तो मिस हो गया। अब इस केस में पैरालाइजेबल ने क्या किया, इसने भी उतना ही टाइम लेना था इसी तरह का, लेकिन हुआ क्या, ये
ध्यान में रखता है कि इस दौरान कोई और भी आ रहा है या नहीं, ये थोड़ा ध्यान में रखता है, ठीक है, ये इतना फोकस नहीं रहता किसी पे। तो उसने क्या किया, इसको देखा तो फिर से एक फिक्स टाइम लिया काउंट करने के लिए, ये टाइम जो काउंटिंग का है वो फिक्स्ड है, इसीलिए यहाँ तक गया है, ठीक है। तो हम काउंट कब मानते हैं, हम काउंट कब मानते हैं कि जब वो डेड से लाइव पे आ जाए, हम एक काउंट तब मानते हैं जब वो डेड से लाइव पे आ जाए, एक काउंट हम तब मानते हैं। ड्यूरेशन की बात छोड़ो, जितने मर्जी टाइम बाद हुआ लेकिन काउंट हमने मान लेना है फ्रॉम डेड टू लाइव, डेड से लाइव में, लेकिन यहाँ पे ये सारा डेड ही था, लाइव ये यहाँ पे हुआ है। इसका क्या फ़र्क है कि इसने टाइम जो लिया वो जो टू था, इसका था टू, इसका टू क्या है, टू, ये टू की साउंड लंबी हो गई, ठीक है। तो ये टाइम जो है इतना लिया प्लस सम एडिशनल टाइम, ये वो वाला टाइम है जब इसको ये दूसरा इंसान मिला और ये टाइम टाउ से कम है, उसी दौरान काउंट करते करते जब ये टाइम इससे कम था इसको एक तीसरा मिल गया, तो ये एडिशनल टाइम उस वजह से आया, उसने इसको वहीं छोड़ दिया, लेकिन ये टाइम भी ये डेड था। लेकिन इस प्रोसेस के चलते चलते हुआ क्या कि इसका जो डेड होने का टाइम था, ये टोटल ये जो सारा टाइम है जो डेड होने का टाइम था वो इंक्रीज कर गया टाउ से, जो इसका काउंट लेने का टाइम था वो इंक्रीज कर गया, काउंट एक ही रजिस्टर हुआ, दो के लिए काउंट एक ही रजिस्टर हुआ, बट वो काउंट करने का टाइम इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, फिर से जब ये लाइव होगा इसको एक और इंसान देखेगा, इसे इसने काउंट करना है, तो ये फिर से यहाँ तक जाएगा, अब यहाँ तक गया, अब ये चीज़ टाउ से कम है, इसने लेना तो फिक्स टाइम था, इसने लेना तो यही टाइम था, लेकिन उस दौरान फिर एक और इंसान आ गया, अब फिर से क्या होगा, ये यहाँ तक जा रहा है, अब ये चीज़ फिर टाउ से कम है, टाउ पीरियड ख़त्म होने से पहले ही फिर इसको एक और इंसान मिल गया, तो इसने ये टाइम भी यही वेस्ट करके क्या किया, नए सिरे से इसको काउंट किया और इसको भी ये इतने टाइम तक काउंट करेगा और उसके बाद क्या होगा, इसे होश आएगा, उसके बाद इसे होश आएगा तो ये लाइव हो जाएगा, और टाउ टाइम क्या था, ये, क्योंकि इस टाइम के बाद, इस टाइम के बाद आगे कोई इसको इंसान काउंट नहीं करना था, तो यहाँ पे ये इसने पूरा टाइम लिया, लेकिन ये इसने टाइम जो थे ये इसने वेस्ट कर दिए, तो ये ऐड ऑन हो गए, ये टाइम ऐड होते चले गए इसमें, तो हुआ क्या, ये और ये टाइम ऐड हो गया, और हुआ क्या है, इस पैरालाइजेबल ने इन तीन के लिए सिर्फ एक ही काउंट दिया है, क्योंकि डेड से लाइव इतने टाइम में आया है, ये डेड से लाइव इतने टाइम में आया है कि जो इसने थ्री बोलना था, जो इसने काउंट थ्री बोलना था उसकी साउंड क्या होगी, थ्री, ये पूरा थ्री है, और इस थ्री में बोलते बोलते क्या हुआ कि टाउ में और टाइम ऐड हो गया, जो इसका डेड टाइम था वो और इंक्रीज हो गया, काउंट इसने इनके लिए एक ही लिया, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने हुए जब डेड से लाइव में आता है, तो ये कितने हुए, वन टू एंड थ्री। तो अगर मैं इसके रिकॉर्डेड काउंट रेट के बारे में बात करूँ वो क्या होगा, अब इस महाशय ने इससे भी कम काउंट किए हैं, इसने काउंट कितने किए, वन टू एंड थ्री, थ्री काउंट्स किए इतने टाइम में, और इसका एम ये है। देखा जाए तो हमें काउंट्स का लॉस हुआ है इन दोनों को बुला के, तो छः का इसने चार कर दिया और उसने तीन कर दिया, तो अब हम इनके लॉसेस के बारे में बात करते हैं। तो एम क्या था, एम को मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ काउंट्स रिकॉर्डेड बाय नॉन पैरालाइजेबल इन दिस टाइम, एम क्या है, नंबर ऑफ काउंट्स रिकॉर्डेड बाय, इसको नंबर मैं कह रही हूँ, नॉन पैरालाइजेबल इन दिस टाइम, इसको मैं एम कह रही हूँ, और मेरा एन क्या था, रियल काउंट्स जो थे, जो रियल काउंट्स हैं इन दिस मच टाइम, तो उसको मैंने एन कह दिया, ठीक है। अब अगर ये चीज़ है तो अगर मैं लॉस के बारे में बात करूं कि नंबर ऑफ रियल काउंट्स दैट आर गेटिंग लॉस्ट,
तो रियल तो 6 थे, तो इसमें क्या है आपको पता है कि दो काउंट्स का लॉस हुआ, तो नंबर ऑफ रियल काउंट्स दैट आर गेटिंग लॉस्ट उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स क्या होंगे, ये n इंटू टी, रियल काउंट्स यही है, तो ये n थी रियल काउंट्स में से अगर आप रिकॉर्डेड नंबर ऑफ काउंट्स बाय द नॉन पैरालाइजेबल पर्सन इसको माइनस कर दें, नंबर ऑफ रियल काउंट्स माइनस ये नंबर ऑफ काउंट्स रिकॉर्डेड बाय np, तो यही होगा आपका नंबर ऑफ रियल काउंट्स दैट आर गेटिंग लॉस्ट। तो जो रेट होगा, रेट क्या है, काउंट्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये काउंट्स है। अब अगर इस काउंट को इस टाइम में डिवाइड कर देंगे, इसी टाइम से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये जो काउंट्स हैं हमने इस टाइम में ली थी, तो वो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, n माइनस m। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ लॉस ऑफ रियल काउंट्स। हमें कोई और रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा रेट ऑफ लॉस की, जिसको हम इसके इक्वल कर दें और हमें n और m का कोई रिलेशन पता चल जाए। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो, ये जो टाइम है, इस टाइम में जो रियल काउंट्स आए थे, अब अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं कि नॉन पैरालाइजेबल डेड कितने टाइम के लिए था, तो वो क्या होगा, m tau। ये क्या है, दिस इज m into tau, ये चीज क्लियर है, क्योंकि इस टाइम में नॉन पैरालाइजेबल ने जो काउंट्स लिए थे वो क्या थे, m। अगर m से मैं वो टाइम मल्टीप्लाई कर दूं जो ये लेता है जब ये डेड है, अब क्या है, अब इस टाइम में नंबर ऑफ रियल काउंट्स क्या है, n into t, द नंबर ऑफ रियल काउंट्स दैट आर अकरिंग ड्यूरिंग द डेड टाइम आर एक्चुअली द नंबर ऑफ काउंट्स व्हिच आर गेटिंग लॉस्ट। इस टाइम में यहां और यहां लॉस हुआ है रियल काउंट का, नंबर ऑफ रियल काउंट्स वो क्या है, n into t, द नंबर ऑफ रियल काउंट्स दैट वर अकरिंग ड्यूरिंग द डेड टाइम ऑफ द नॉन पैरालाइजेबल पर्सन आर एक्चुअली द नंबर ऑफ काउंट्स आर एक्चुअली द नंबर ऑफ रियल काउंट्स दैट आर गेटिंग लॉस्ट। ये क्या है, नंबर ऑफ रियल काउंट्स दैट आर गेटिंग लॉस्ट। अब ये क्या था, ये रेट है, ये है नंबर। अब ये इसी टाइम पे आप कैलकुलेट करेंगे इतने टाइम के लिए, तो दिस डिवाइडेड बाय टी, तो ये क्या हो जाएगा, एन एम टाउ। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एन एम टाउ, तो ये आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया रेट ऑफ लॉस ऑफ रियल काउंट्स का। और यहां से आप क्या कर सकते हैं, This is the expression which relates the real count rate, the true interaction rate with the recorded count rate for the case of non-paralyzable person. तो अब इस इंसान ने तो इससे भी ज़्यादा loss किया है counts record करने में, तो इसके loss अब account कैसे करेंगे, अब इसका तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेड पीरियड्स हैं इस केस में, फॉर द केस ऑफ पैरालाइजेबल पर्सन द डेड पीरियड्स आर नॉट इक्वल, फॉर द केस ऑफ पैरालाइजेबल पर्सन द डेड पीरियड्स आर नॉट ऑफ फिक्स्ड लेंथ, दे आर नॉट ऑफ फिक्स्ड लेंथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना है, यहाँ ये ज़्यादा है, तो इसके डेड पीरियड्स फिक्स्ड नहीं है। तो अब मैं एक एजम्पशन ले रही हूँ कि एट time t is equal to 0, let us assume an event has occurred at time t is equal to 0, और उसके बाद t time period के बाद आपको एक इंसान मिलेगा within a differential time dt। तो मैंने ये assumption ली है इस केस में, क्यों ली है, क्योंकि मुझे भी एक n और m का relation parallelizable में चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये loss जो कर रहा है real counts में, तो इन दोनों की रेट्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब जो इस अजम्पशन में जो दो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस में अज्यूम कर रही हूँ वो क्या है कि ड्यूरिंग टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कोई इंसान नहीं मिलना चाहिए, तो ये एक कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग अ पर्सन फ्रॉम 0 टू टाइम टी इज 0, तो उसको मैं डिनोट कर रही हूँ ये। और दूसरी assumption क्या है कि
कि आफ्टर दिस टाइम टी आई विल श्योरली मीट अ पर्सन विद इन अ टाइम इंटरवल डी टी. अब अगर मैं आर डिनोट करूं एवरेज रेट ऑफ अकरेंस, अब दो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एक नंबर है, ये जो है ये एवरेज रेट है, ये कोई नंबर डिवाइडेड बाय टाइम है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग अ पर्सन विद इन दिस टाइम इंटरवल डी टी विल बी आर डी टी. आई होप यू विल एग्री विद दिस. ये भी एक नंबर है, ये कोई नंबर डिवाइडेड बाय टाइम है, ये भी टाइम है, तो इनके जो डायमेंशंस हैं ये मैच कर रहे हैं, ठीक है. तो ये किसके इक्वल है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग अ पर्सन विद इन अ टाइम इंटरवल ऑफ डी टी आफ्टर द टाइम टी हैज पास्ड. आफ्टर द टाइम टी हैज पास्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योरली मीटिंग अ पर्सन इन अ टाइम इंटरवल डी टी इज दिस. तो ये दोनों आपने इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज आपको ये भी चाहिए और इसके साथ आपको ये भी चाहिए, दोनों का होना चाहिए. ना तो इस दौरान कुछ होना चाहिए और इस दौरान डेफिनेटली एक इंसान मिलेगा, तो उसके एक्सप्रेशन को आपने लिख दिया ये. अब मेरा इंटरेस्ट है ये फाइंड करने में, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनीबॉडी बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी. अब मैंने कहा कि लोगों के आने जाने का प्रोसेस एक रैंडम प्रोसेस है, एक रैंडम फिनोमिना है, एंड विच डिस्ट्रीब्यूशन विल इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट दिस एस्पेक्ट, इट इज़ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप लगाएंगे यहाँ पे, तो आपको पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी आपने किसी रैंडम वेरिएबल की निकालनी है, दिस विल बी इक्वल टू e रेस्ट टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेस्ट टू पावर x ओवर x फैक्टोरियल. ये होता है, x क्या है? कोई रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, और ये क्या है? लैम्डा क्या है? एवरेज रेट ऑफ अकरेंस, ठीक है. अब इस केस में आप क्या कह रहे हो? x को आप कह रहे हो जीरो, बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट एनीबॉडी टू कम बिटवीन जीरो टू t. तो x क्या है? जीरो. तो क्या होगा कि अगर आर डी टी है अकरेंस ऑफ अ पर्सन विद इन अ टाइम इंटरवल डी टी, तो R into T क्या होगा? Occurrence of a person in time interval T. In time interval T. R into T, तो this lambda will be this. अब अगर आप इसको इसमें substitute करेंगे, you will be getting, sorry. अब अगर आप इसको इसमें substitute करेंगे, you will be getting the expression for P0. और वो क्या होगा? P0 will be e raised to power minus RT into lambda raised to power 0 over 0 factorial, which is nothing but e raised to power minus RT. तो ये मुझे expression मिल गया इसका, और ये था this, which is nothing but equal to pt dt. This is nothing but probability of finding a person after time t within a time interval whose length lies within dt about some time t. However, in the parallelizable case, you have observed that it involves dead periods which are larger than tau. They are larger than tau. So this was the probability of getting a time interval of length within dt. अब अगर वी वॉन्ट टाइम इंटरवल्स टू बी लार्जर देन tau, which is in general the case for the paralyzable person. So what you need to do, you have to integrate this expression from tau to infinity. अब अगर हम इस चीज़ को analyze करें, तो this is nothing but, अगर मैं इसको p1 t dt नाम दूँ इस probability को, तो this rate will be nothing but the real interaction rate. The real interaction rate. So R in this case is n. ये एक general expression मैंने आपको बताया था, the probability of getting intervals of length dt around t, of fixed length dt around t. तो जो rate है इस केस में वो क्या है? True interaction rate जो हो रहा है. तो this is nothing but this. But you know, counting for the case of paralyzable person involves time intervals greater than tau, larger than tau. ठीक है, तो ये तो था विद इन डी टी,
विद इन dt. अब हमने क्या करना है, इस dt को, इस टाइम इंटरवल को टाओ से लेके तक ये कहीं भी जा सकता है. अब इस केस में ये इतना था, इस केस में ये बढ़ गया, तो हम dt टाइम इंटरवल को क्या कह रहे हैं कि टाइम इंटरवल हमारी जानी चाहिए टाओ से. टाओ तो होनी ही चाहिए, टाओ से कहीं भी, कितना भी ज़्यादा हो सकता है. हेयर आई एम डिफाइनिंग अनदर प्रोबेबिलिटी से पी टू टी एंड हेयर द टाइम इंटरवल गोज फ्रॉम टाओ टू इन्फिनिटी. दैट इज़ आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग टाइम इंटरवल्स लार्जर देन टाओ. सो दिस इज नथिंग बट दिस. इसकी इंटीग्रेशन ईजी है, यू विल बी गेटिंग tau to infinity. So what do you get? This comes out to be this is the probability of getting time intervals which are greater than tau. The probability of getting time intervals greater than tau. Now, if I talk about the parallelizable person for this case, if you calculate the number of counts recorded by this person, number of counts kya honge? M into T. ठीक है, इस time में इसने ये counts किए. And now you need a relation between N and M as you derived for the non-parallelizable case. तो इसमें M into T आपके होंगे number of counts. So these number of counts are nothing but these. अब ये जो रेड वाले पोर्शंस हैं, दीज डेड पीरियड्स, अब आपने देखना ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं. दीज नंबर ऑफ काउंट्स रिकॉर्डेड बाय दिस पैरालाइजेबल पर्सन, दीज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रियल काउंट्स. नंबर ऑफ रियल काउंट्स क्या है? एंटी. इसके इक्वल तो नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, बिकॉज ये तो 6 आई थी, ये आई हैं 3. तो दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रियल काउंट्स दैट आर ऑब्टेन्ड in the time intervals whose length are generally larger than tau, and the probability of getting the time intervals whose length is in general larger than tau is nothing but this. So ye bhi ek number hai, ye bhi ek number hai, theek hai. Ye rate ko agar multiply karenge time se to ek number aa jayega. So this has to be multiplied by the probability of getting time intervals larger than tau, which is nothing but this, जो आपने ये calculate किया था, ठीक है. Now this t gets cancelled and you get the relation for the parallelizable case. What you have done is you have found a relation between the true interaction rate and the recorded count rates for both parallelizable and non-parallelizable persons. Now, one thing I would like to tell over here is that I have kind of personified the things. अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ चलते हैं, रिलेट करते हैं. ये भी हमने इतना सारा तामझाम क्यों किया? These are nothing but these are events, the randomly spaced events occurring in a detector. Because रेडियोएक्टिव डिके अगर हो रहा है तो कोई भी इवेंट कब आ रहा है तो रैंडम फिनोमेना है, बिकॉज रेडियोएक्टिव डिके इज अ रैंडम फिनोमेना. तो दीज, ये जो पीपल है, दीज आर नथिंग बट इवेंट्स अकरिंग इन द डिटेक्टर, ठीक है. ये क्या है? अब ये पैरालाइजेबल और नॉन पैरालाइजेबल क्या है? ये है द टू मॉडल्स टू स्टडी द डेड टाइम बिहेवियर ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर्स. जो एक्चुअल में रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं, कुछ वजह से उनमें डेड टाइम आता है. बिकॉज ऑफ द रैंडम नेचर ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके, ये इवेंट्स रैंडमली स्पेस्ड हैं. ये लोग जो आए आपकी लाइफ में, ये रैंडमली आए. तो रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की वजह से क्या होता है? देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रू इवेंट विल गेट लॉस्ट. द काउंटिंग ऑफ दिस ट्रू इवेंट विल गेट लॉस्ट बिकॉज इट अकर्स टू क्विकली फॉलोइंग अ प्रीसीडिंग इवेंट. ये जो इवेंट है, इसके तुरंत बाद हो गया, कुछ वजहों से जो डेड टाइम होता है डिटेक्टर्स में, वो इवेंट कैलकुलेट नहीं हो पाता, सो इट इज़ गेटिंग लॉस्ट. तो ये डेड टाइम क्यों आ सकता? बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस विच आर अकरिंग विद इन द डिटेक्टर इटसेल्फ, या फिर एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से. कोई अगर टाइम लैग है काउंटिंग में, कुछ टाइम अगर इनकी वजह से वेस्ट होता है, कुछ टाइम के लिए अगर डिटेक्टर डेड हो जाता है, तो वो रियल नंबर ऑफ पल्सेस जो है वो मिस कर जाता है, जो एक्चुअल काउंट्स हैं. तो ये डिस्क्रिपेंसी आती है. एंड दीज वर द टू मॉडल्स दैट वी हैव अज्यूम्ड टू स्टडी द डेड टाइम बिहेवियर ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर्स. यू वॉन्ट योर रिकॉर्डेड काउंट रेट्स टू बी एज
close as possible to the true interaction rate. What's the fun if you are not getting your recorded count rates close to this value? So to avoid this, you should choose a counting system which has smaller dead time.